दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि निजी नलकूप के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। और दोस्तों, सेकंड वीडियो में हमने ये बताया था कि निजी नलकूप के आवेदन करने से पहले हमें क्या करना है। अब दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे, क्योंकि हमारे पास काफी समय से कमेंट आ रहे थे कि सर, हमारी लंबाई इतनी है, 8 मीटर है, 6 मीटर है, जितनी भी लंबाई है, या 80 मीटर है, और हमारा की लागत आएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस्टीमेट की। व्हाट इज एस्टीमेट, एस्टीमेट होता क्या है, एस्टीमेट कैसे बनता है, एस्टीमेट में क्या क्या सामान होता है, इन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों। जो लोग भी निजी नलकूप के लिए कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम एस्टीमेट को समझेंगे। क्या एस्टीमेट में जितनी लागत होती है, हमें उतना ही रुपए देना होता है। एस्टीमेट में क्या क्या हमें मिलता है, मतलब जो सामग्री है उसमें क्या क्या होता है, एस्टीमेट में सारी चीजों को हम समझे। जानने के लिए वीडियो को लास्ट जरूर देखें। तो दोस्तों, एस्टीमेट का मतलब होता है आकलन करना, अनुमान लगाना, या आप कुछ भी कह सकते हैं कि अंदाजा लगाना, मतलब हमारे जो सामग्री है, मतलब उस पे कितना लागत आएगा, एस्टीमेट। तो दोस्तों, अब हम एस्टीमेट को क्रम बाय क्रम से समझेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ पोर्टल PGW भी खोले हुए हैं, तो उनको हम समझा देते हैं कि सबसे पहले हमने दूसरे स्टेप में हमने बताया था कि अब ये लाइन चार्ट दिख रही है, जो आपको यहाँ पर ये PDF फाइल में आपको दिख रही है, लाइन चार्ट बोलते हैं। और यहाँ पर हमने लाइन चार्ट करवाई, मतलब ये सर्वे हुआ है। तो दोस्तों, सर्वे के बाद जो सेकंड स्टेप होता है, वो एस्टीमेट का होता है। ये मोबाइल के जरिए, GPS के जरिए सर्वे होता है। और यहाँ पर हम बताते हैं दोस्तों, दूरी कितनी होती है हर 40 मीटर पे, मतलब पहले 60 मीटर होता था, 40 मीटर पे खंबा, मतलब इंस्टॉल किया जाएगा, खंबा लगाया जाएगा, जो कि इस नियम के अनुसार। तो हम बात करेंगे, यहाँ पर हमने एक लॉग इन किया हुआ है। जैसे ये एस्टीमेट में बहुत सारे सामान दिखाई दे रहे होंगे, जैसे विशेष स्वीकृति अनुदान, पता नहीं रहता कि इसको क्या कहते हैं और इसकी लागत कितनी है, इसकी कॉन्ट्रोवर्सी कितनी है, इन सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। नंबर बाई नंबर से आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर PDF फाइल ओपन की है, एस्टीमेट, यहाँ पर आप देख, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन। अब दोस्तों, एस्टीमेट में आएंगे, यहाँ पर जो हमारे लागत दिखा रहा है, क्या इतना ही लागत लगेगा, पूरी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले है PVC पोल, 8.5 मीटर लगता है खंबे, जो लाइन में गाड़े जाते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। जो खंबे हैं, हमने खंबे दिखाया, यहाँ पर क्वांटिटी, ये क्वांटिटी में जो दिया हुआ संख्या, मतलब ये 11 है। और जो इसकी लागत आप देख रहे हैं, 2375 रुपए का एक खंबा हमें पड़ेगा, जो कि हमारा पूरा टोटल 26,125 रुपए की टोटल खंबे हो। ये गवर्नमेंट का रेट है, और रेट बाय दर बाय ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2375 रुपए का ये हमें खंबा पड़ रहा है। इसके बाद MS टॉपर की बात करेंगे, MS ऑफ चैनल की बात करेंगे, यहाँ 1 दिया है, और ये 1368 रुपए। MS टॉपर की बात करेंगे, जो ऊपर लगती है सबसे ऊपर, वो MS टॉपर। दोस्तों, ये है MS टॉपर, सबसे ऊपर लगता है लाइन को क्रैश करने की। बात करेंगे यहाँ पर होल्डिंग क्लैंप LMB 14, ये है हमारी 14, मतलब हमारी संख्या जो है 14 है, और वो 114 रुपए की है। टोटल हमारा 1596 रुपए का हो गया। ये जो सामग्री है, ये 1596 रुपए की हो गई। यहाँ पर हम देखेंगे तो इस तरीके से होता है दोस्तों, ये जिसमें जो है दोस्तों, इसके जरिए दोस्तों बात करेंगे। यहाँ चौथे नंबर पर बेस एंगल टी है, बेस एंगल टी है, जिसमें दोस्तों ट्रांसफार्मर रखा जाता है, उसको बेस एंगल TF बोलते हैं, जो की जिसकी संख्या 2 होती है, और 904 रुपए का है। टोटल हमारा 1860 रुपए का। बात है एफ क्लैंप विथ नट बोल्ट, जिसकी संख्या है 9, ये 209 रुपए का एक पड़ा है रेट में, और ये टोटल हमारा हो गया 1971। यहाँ के भी पिन इंसुलेटर विद पिन, दोस्तों इंसुलेटर है, आप जानते होंगे इंसुलेटर पहले पत्थर में आता था, अब इस तरीके से इंसुलेटर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वांटिटी इनकी देख सकते हैं, और यहाँ पर ये बुल्ट रहेगा, इसके साथ में यहाँ पर ये तार लगता है, इसको बोलते हैं इंसुलेटर। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर 11 kV एंड 450 25 kV। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्रांसफार्मर है, उसकी कीमत की क्वांटिटी एक है, मतलब एक ट्रांसफार्मर, जो की 63,175 रुपए का। दोस्तों, पहले 2014-15 में इसकी कीमत 96,000 रुपए जोड़ी जाती थी, मे भी हो सकता है कि ये घट गया है। अब आप देख सकते हैं 63,175 रुपए का ये ट्रांसफार्मर जोड़ा गया है, CSR विजल कंडक्टर। तो दोस्तों, बहुत लोग कंफ्यूजन हो गए, ये क्या? दोस्तों, ये जो MTS लिखा है, ये मतलब तार है, तार बोलते हैं इसको, ये है तार। अब दोस्तों, ये कैसे मिलता है, अब हम बता दें। यहाँ पर जैसे एक खंबे की जो लंबाई है, वो 40 मीटर है, मान के चलिए 40 मीटर में आपको 10 किलो दिया जाता है, वहां पर तौल के हिसाब से मिलता है, आपको मीटर के हिसाब से नहीं मिलता है। यहाँ पर जो ACR विजुअल कंडक्टर दिया जाता है, जो तार दिया जाता है, वो दोस्तों एक, मैंने बताया आपको दूरी बताई, एक खंबे के लिए, मतलब एक खंबे से एक खंबे की दूरी के लिए यहाँ पर 10 किलो के हिसाब से तौल के दिया जाता है, वजन के हिसाब से दिया जाता है। हालांकि ये डपा होता है हमारा लंबाई में, और कम पड़ जाता है, भी हो सकता है कि पूरा भी हो जाए। स्टेक कंप्लीट ग्रोटिंग नंबर 4, यहाँ पर क्वांटिटी दी है 4, और एक की कीमत
कीमत है इसमें 1648 रुपए, टोटल 6592 हो गए। इसको बोलते हैं GST। ये दोस्तों जो होती है ये खंबे को कसने के काम आती है। अब ये चार कहाँ पर लगते हैं कि इनकी लाइन कहीं से मिसमैच हो रही हो या कहीं से टेढ़ आ रही हो तो चार कर दिए हैं, क्योंकि जहां से आपकी लाइन शुरुआत होती है मतलब जहां से आपकी लाइन किसी दूसरी जगह से आ रही है तो वहां पर एक लगता है, सपोर्टर बोलते हैं इसको। एक आपके दो खंबे जो लगाए जाते हैं जहां पर पोल बनता है वहां पर आपके दो लगते हैं, तो कुल मिला के तीन होता है, ये चार कर दिए। जैसे आपकी लाइन की नपाई होती है उसी हिसाब से यहाँ पर जाइए, यहाँ पर सबमिट कर दे। जो एस्टीमेट में बहुत सारी चीजें हैं जो हम छोड़ देते हैं, हमको पता ही नहीं रहता कि हमारे एस्टीमेट में क्या क्या है, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया ताकि लोगों को सारी सामग्री ले। आपका अधिकार है, आप पैसे दे रहे हैं, आप पूरी सामग्री के हकदार हैं, आप पूरी सामग्री ले सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं मीटर नहीं आपको लगवाना है जब तक आपको सामग्री पूरी प्रोवाइड नहीं हो जाती है। तो आप देख सकते हैं अर्थिंग कंप्लीट, यहाँ पर क्वांटिटी 11 दी है, यहाँ पर क्वांटिटी 11 और रेट जो है 698 रुपए का, टोटल 7668 रुपए का, जो कि बहुत ही कम ग्राहक इसको लेते हैं। मतलब पूरा उसका काम हो चुका होता है, मे भी हो सकता है कि स्टोर में जब उपलब्ध होता है तब आप नहीं ले पाते हैं, स्टोर में बाद में आता है और आप उसको नहीं ले। तो देखिए दोस्तों अर्थिंग कुछ इस प्रकार से रहेगी, आप देखेंगे ये कंडक्टर को फूकने के लिए लगाया जाता है ताकि ये जो ट्रांसफार्मर है वो फूके ना, जो आकाशीय बिजली है उसको यहाँ से खींच के नीचे सीधे जमीन में लग कर देता है। तो इसलिए दोस्तों अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत जो लाइटें लगाई गई है, जो विद्युत सप्लाई की गई है, वहाँ पर अर्थिंग ये सारी सुविधाएं दी गई है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है ये अर्थिंग का, जो हम बता दें यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई, क्वांटिटी लिखी हुई है, उसका विशेष ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर 11 kbptu स्विच लिखा है, यहाँ पर जीरो है, फिर भी यहाँ पर देखिए रकम जुड़ी हुई है, लेकिन आपके मीट में रकम ऐड नहीं। 460 रुपए का है स्टे पोल, ये दोस्तों लॉन्ग पोल है, अगर आपको जरूरत पड़ती है तब दिए जाते हैं, लॉन्ग पोल की जरूरत नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर रेट में जुड़े हुए हैं। हालांकि यहाँ पर जो लाइन कॉस्ट है, यहाँ पर लाइन कॉस्ट में नहीं ऐड है, जो आपका लाइन कॉस्ट में ऐड होगा वो आप ले पाएंगे, और क्वांटिटी के हिसाब से जैसे यहाँ पर 6 and 9 है, तो क्वांटिटी है आपकी उस हिसाब से आप ले पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर डिस्क इंसुलेटर जो कि इस प्रकार से रहेगा, यहाँ से जो है ये दोस्तों सबसे पहले जो पोल होती है वहां पर लगाए जाते हैं, इसके बाद जहाँ से पोल स्टार होती है वहां पर लगाए जाते हैं, मतलब 3 × 6, ये 6 है। ये दोस्तों ये फिटिंग आते हैं पूरा कंप्लीट आपको दिए जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी संख्या 6 है। एस का आर्म क्या होता है दोस्तों, इसकी संख्या 9 है और टोटल हमें 526 रुपए का पड़ रहा है, जो कि टोटल हमारा अमाउंट हो गया 4730। स्टील एक्स राम आर कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर इंसुलेटर लगाए जाते हैं, हर खंबे पे लगेगा आपको पता है, लेकिन जहां से लाइन स्टार्ट होती है मतलब आपकी लाइन का जब सर्वे होता है उसी हिसाब से ये रीडिंग की जाती है एस्टीमेट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी चीजें यहाँ पर, ये समझ में आ रहा होगा कि एस्टीमेट में क्या क्या होता है और हम क्या क्या चीजें ले पाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई चीज आप मिसमैच हो जाती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसका आंसर जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो क्वांटिटी दी है विशेष ध्यान रखना है, जो क्वांटिटी दी है वो सारी सामग्री आपको मिलेगी, क्वांटिटी के साथ में जो आपका रेट ऐड नहीं है वो सामग्री आपको नहीं दी जाती है। लाइन कॉस्ट में आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर बताया गया एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पर आपका 00 रुपए है, जो 11 kbptu स्विच है, इसके साथ में लॉन्ग पोल है, ये लॉन्ग पोल की अगर आपको आवश्यकता होती है तभी दिए जाते हैं, अन्यथा आपका ऐड। अब आप देख सकते हैं कि टोटल इसमें कुछ चार्जेस भी इंक्लूड किए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन SS इंक्लूडिंग चार्ज ऑफ मटेरियल का भी चार्ज इसमें जोड़ा गया है 15,550 रुपए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइंडिंग चार्ज ऑफ मटेरियल 29,850, मतलब ये पूरा जोड़ा गया है, तो आप देख सकते हैं पूरा इंक्लूडिंग है चार्ज, यहाँ पर आप बड़ी आसानी से देख पाएंगे। और टोटल जो रकम बनती है, यहाँ पर आपको कुछ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी लगता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो चार्ज भी आपका लगा हुआ है, मीटर का भी चार्ज यहाँ पर जोड़ा हुआ है, सारी चीजों का चार्ज जुड़ता है, आपको गवर्नमेंट कोई भी चीज फ्री नहीं देती। कॉस्ट ऑफ लाइन 11 kV लाइन, यहाँ पर सारी चीजें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी चीजें ऐड है, और इसमें जो रकम दिखाई जा रही है 1,95,456 रुपए, और यही आप ये करना होता है जो एस्टीमेट होता है, जब आपका फाइनल है मतलब आपका इतना अमाउंट लगेगा, ना इससे घट सकता है ना इससे बढ़। अगर दोस्तों इसमें कुछ मिसमैच है जैसे आगे घट बढ़ जाता है, मैंने बताया पहले 96,000 रुपए का जुड़ता था, अब दोस्तों कम में जुड़ने लगा, तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जैसे आपने एस्टीमेट बनवाला काफी समय हो गया, आपने उसको ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए, अपलोड नहीं किया, मतलब 1-2 महीने का हो गया, ऊपर नीचे चीजें हो जाती है और इसमें कुछ चार्जेस भी इंक्लूड हो जाते हैं, उस वजह से आपका यहाँ पर एस्टीमेट दोबारा से या पर भी हो सकता है कि पेन से लिख के ऐड कर दिया जाता है, जो भी आपका संबंधित विभाग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई होप आप ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, एस्टीमेट क्या होता है, एस्टीमेट में जो सामग्री होती है वो क्या क्या होती है, कैसे मिलती है, ये दोस्तों इसको एस्टीमेट बोलते हैं। आई होप ये जानकारी आप समझ पाए होंगे। तो आज के वीडियो में हमने बात की एस्टीमेट क्या होता है, एस्टीमेट में क्या क्या मटेरियल होता है, आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। आई होप ये जानकारी आपको बहुत अच्छे
से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्टेप पर चर्चा करेंगे। तब के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ मिलता है अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।